स्वागत है आपका मेरे चैनल मेकअप यूट्यूब में। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढ के लेके आ गई हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ये सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन आता है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस काम की, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी, बाल इतने झड़ रहे हैं, जैसे कि जहाँ देखो वहाँ वाली बाल है, बेड पे, बिस्तर पे, कंघी में, हर जगह बाल, खाने तक में बाल आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको ज़्यादा कोई महंगा सामान बताऊँगी नहीं, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो मैं ये DIY बताने वाली हूँ, जैसे कि ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल मिल जाएंगी। और हाँ, आपके मैं ज़्यादा कोई महंगा सामान नहीं बताऊँगी, और बहुत ही अफोर्डेबल है। तो चलिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा देर होगी मेरे को बात करते हुए, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगी तो बता देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर नारियल का तेल लिया है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर कोकोनट ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने पतंजलि का लिया है। अब मैं यहाँ पर विटामिन ई के कैप्सूल लूँगी, और आप इसको ज़्यादा, आपको मार्केट में ये 15-20 रुपए के मिल जाएंगे आराम से, ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये आप मार्केट में जाके ले लिया, आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको केमिस्ट की दुकान पे तो देख सकते हो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऑनियन का जूस लूँगी, और आपको हर घर में, तो आपको पता है हर घर में अवेलेबल होती है, तो आप उसी का कद्दूकस करके आप उसी का जूस निकाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इस बाउल में नारियल का तेल लिया है, और इसमें मैं अब ऐड करूँगी बाकी का सामान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे इसमें अनियन का जूस ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच। और आप भी देख लीजिएगा, जैसे आपके बाल हैं उस तरह से आप केवल बालों में नहीं लगाना, सिर्फ सर पे लगाना है, सर पे जड़ों में लगाना है अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, आपको भी इस तरह से मिक्स करना है जब तक कि, तो देख लीजिए इस तरह से आपको मिक्स करना है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करूँगी एक। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पहले कैंची से कट कर लूँगी, और इसका जो जेल है वो निकाल लूँगी। तो इस तरह से ये निकलता है, आप देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा शेप है इसका। तो यहाँ पे मैं, आप लोग भी इसका जेल निकाल लीजिएगा, और इसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, ऐड करना है, फिर इसके बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको निकाल लूँगी पहले जेल। तो आप देख सकते हो, इस तरह से आपको सारा जेल निकालना है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अच्छे से इसका जेल। अब इसके बाद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक कि ये सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। और आप देख लीजिएगा, अभी इसका इस तरह से मिक्स करना है जब तक कि सारा इससे अच्छा सा कलर ना आ जाए, अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अभी आप देखिएगा इस तरह से आपको मिक्स करना है अच्छे से, ताकि जो सारी चीज़ें वो आपस में मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अभी और मिक्स करना है। तो बस, तो देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से हो गया है मिक्स। तो अब ये आपका रेडी है, आप इसको अच्छे से बालों में यूज़ करिएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसको ट्राई करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। तो इसके लिए आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप लोग बता पाओगे कि इससे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो वैसे तो इसके नुकसान होने का तो कोई चांस ही नहीं है, इसके आपको मतलब जो भी होगा आपको फ़ायदा ही होगा, मैं 100% के साथ कहती हूँ। तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार यूज़ करिएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर वीडियो, तो बस यही था मेरा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और लाइक तो ज़रूर बनता है, मैंने इतनी अच्छी वीडियो बताई है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा। तो चलो, बस यही था।